अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ज़बरदस्त आप लोगों को होम टूर करवाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम लोगों ने बताया आपको कि हम लोगों ने घर फाइनली डन कर दिया है एंड रेंटिंग पे हमारा एक घर ऐसा हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि जिसको हम कह सकते हैं होम। तो कैलगरी में हम लोगों का हाउस टूर, हाउस सर्च, ये सब कैसा रहा, ये सब आप लोगों को पिछली वीडियोज में सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। फाइनली हम लोगों ने कैसा घर डन किया, कितने कमरे हैं, किस तरह का दिखता है, तो ये सब हम इंशाल्लाह अंदर जाके बताएंगे आपको। बाकी की सारी डिटेल्स जैसे कि रेंट कितना है, यहाँ का एरिया कौन सा है, कम्युनिटी कैसी है, कितने स्क्वायर फुट का घर है, ये सब कुछ हम आपको एंड में इस वीडियो के बताएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड तक देखिएगा वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर नए हैं। एंड लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हम लोगों के घर की एंट्रेंस स्टार्ट होती है यहाँ से। ये छोटा सा हमारा पैच के जिसमें जो है वो हम लोग यहाँ से एंटर होते हैं। और आपको क्या एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इस घर में स्नो क्लीनिंग इंक्लूडेड है। हम लोगों को क्लीन नहीं करनी होगी बल्कि हमारे लैंडलॉर्ड ही इसकी फीस देंगे और कॉन्डो या स्ट्राटा जो भी मैनेजमेंट है तो उन वो लोग यहाँ पे क्लीनिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ बेल भी है, ये बिल्कुल एंट्रेंस है। बाय द वे, इस घर में दो तरफ से एंट्रेंस होती है। तो यहाँ से हम लोगों की जब एंट्रेंस होती है तो लेफ्ट पे ही पड़ती है एक जबरदस्त सी छोटी सी वार्डरोब। ये देखिए यहाँ पे है यूटिलिटी, जैकेट्स वगैरह के लिए यूटिलिटी होती है, जैकेट्स लटकाएंगे यहाँ पे, शूज रख सकते हैं जो भी। तो आसानी की बात है कि बाहर कुछ फैलावा नहीं होगा। ये एक छोटे सी अच्छा सा फीचर है इस घर का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा हॉलवे है। ये यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है बट वी स्टिल हैव सम स्पेस कि यहाँ पे हम वेलकम कर सकते हैं गेस्ट जो भी आ रहे हैं। और यहाँ से अगर हम राइट पे जाते हैं तो आता है हमारे पास ये छोटा सा लिविंग एरिया या गैराज जिसको हम कह सकते हैं। ये एक तरह का सेकेंड लिविंग एरिया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम गैराज भी बना सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है, हमारे लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड किया हुआ है। छोटी सी खिड़की है, आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग आ रही है तो बैठने के लिए अच्छी जगह है। और इसके अलावा ये तमाम जितना भी एरिया है ये बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इस घर की सबसे अच्छी बात हमें ये लगी थी कि यहाँ पे सेकेंड लिविंग बना सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे बैठ के आराम से खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ ही गैराज के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर लगी हुई प्यारी सी फायर प्लेस, इस फायर प्लेस को जो है वो हम लोगों ने जब देखा तो हमने कहा बस डील डन, ये बेहतरीन चीज़ हो गई है। छोटा सा यहाँ पर शेल्फ भी लगा हुआ है तो बेसिकली एक लिविंग रूम की वाइब देता है। यहाँ पे है रिमोट कंट्रोल गैराज, आए इसको खोलते हैं। ये देखिए, एक तो यहाँ से लाइट जल गई है, तो ये खुल गई है गैराज की गाड़ी। और जो गाड़ी हमारे सामने पार्क हुई भी है ये भी हमारा पार्किंग पैड है, यहाँ पे भी गाड़ी पार्क हो सकती है। तो बेसिकली दो गाड़ियों की स्पेस है। और यहाँ जो दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है ये हमारे दोस्त की है, तो हमारी तो अभी नहीं आई है। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये है एंट्रेंस। तो ये है एक और एंट्रेंस जिसका मैं बताई थी कि बैक पे भी एक और एंट्रेंस है, तो ये गैराज में आके खुलती है और डायरेक्ट लिविंग रूम में अंदर जाती है। तो ये तो हमारा अपना पार्किंग पैड है ही, प्लस ये जितनी भी आपको ग्रीनरी नजर आ रही है यहाँ पे घास, इसको भी मेंटेन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये लैंडलॉर्ड जो फीस देते हैं कॉन्डो या स्ट्राटा को, उन्हीं को जो है वो ये क्लीन और मेंटेन भी करना होता है। तो ना समर में झंझट है घास मेंटेन करने का और ना ही विंटर में झंझट है स्नो क्लीन करने का। हम लोग आते हैं वापस इस एरिया में जहाँ से हम एंटर हुए थे फर्स्ट एंट्री से, और यहाँ पे आती हैं ज़बरदस्त सी स्टेयर्स जो कि कारपेट वाली हैं। मुझे कारपेट वाली स्टेयर्स अच्छी लगी क्योंकि इसमें स्लिप होने के चांसेस बच्चों के बहुत कम होते हैं, अगर टाइल्स वाली होती है तो थोड़ा खतरा होता है। तो हम लोगों ने शूज़ यहाँ पर उतार दिए हैं और साथ ही हम लोग चलते हैं ऊपर। तो हर घर में रेंटिंग में जो है छोटे मोटे डैमेजेस मिलते हैं तो इट्स फाइन, आप जो है वो पहले लैंडलॉर्ड को बता देते हो। तो गाइस, इसके बाद हम लोग आते हैं इस मेन फ्लोर पे जो कि समझ लें कि फर्स्ट फ्लोर पड़ता है घर का। और यहाँ पे है हमारा सबसे पहले आते ही किचन। आप लोग किचन देख सकते हैं कि बहुत ही मॉडर्न स्टाइल इंडस्ट्रियल स्टाइल किचन है। बेसिकली इसमें जो लाइट्स आप लोग देख रहे हैं ये भी काफ़ी इंडस्ट्रियल स्टाइल की लाइट्स हैं, और चूँकि मुझे ये चीज़ बड़ा अच्छा डिफरेंट फीचर लगा था और जब हम लोगों ने ये घर देखा था इंस्पेक्शन जब हम कर रहे थे। इसी के साथ इनमें जो है वो तमाम रेंटल के घरों में आपको पता है डिश वॉशर शामिल होता है। ये रहा बिल्ट इन माइक्रोवेव, इट्स अ रियली गुड फीचर। साथ
बाकी में जो है फ्रिज देते हैं। सारी की सारी फीचर्स आपको रेंट के घर में आसानी से मिल जाते हैं। काफ़ी सारी स्टोरेज है किचन में, अभी भी काफ़ी सारी खाली है स्टोरेज, बट लेट मी शो यू अ लिटिल बिट। देखिए छोटे से हमारे देसी घरों में शान के मसाले रखे हुए होते हैं, तो खाना वगैरह मैंने सब पकाना तो शुरू कर ही दिया है, सारी चीज़ें जमा होनी शुरू हो गई हैं। और ये काउंटर टॉप, ये जो मार्बल है, ये भी बहुत ही अच्छी स्पेस है, क्योंकि या तो हम इसको डाइनिंग टेबल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम स्टूल रख लें, और वैसे तो मैं जैसे घर हमारे इतना खाना पकता है तो उसमें काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है। ये फ्रिज पे भी काफ़ी स्पेस है, बहुत अच्छी स्टोरेज मिलती है, पूरा फ्रीज़र फ्रिज दोनों ही जो है वो फुल ऑन फैमिली फ्रिज की तरह है, और बेहतरीन अल्लाह का शुक्र है इसके अंदर स्पेस मिल जाती है। तो किचन के राइट पे हमें पड़ता है डाइनिंग एरिया, और इस डाइनिंग एरिया के ऊपर ये जो लाइटिंग है शैंडेलियर छोटा सा लगा है, इट्स सो गुड, मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल, यानी अगर 6 की डाइनिंग टेबल आ जाएगी 6 सीट्स की, विल बी इनफ, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेटअप लगेगा लाइट लाइट सा। और इसके अलावा फिर यहाँ पे आती है हमारे बैल्कनी। अब हम बैल्कनी पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये है एक छोटी सी बैल्कनी हमारी, जहाँ पे हम लोग अपना बारबेक्यू एरिया बनाना चाहते हैं, कुछ सेटअप करना चाहते हैं। और साथ ही में मेरा प्लान है कि जब नेक्स्ट समर आएगा तो यहाँ पे थोड़े बहुत पौधे भी लगा लूँगी। छोटी सी स्पेस है, बट इट्स अ नाइस वन, अगर एक दो फैमिलीज को साथ में अपने घर में बुलाना हो तो इस मोर देन इनफ स्पेस इन अ बैल्कनी। और शीशे वीशे की भी जो है वो थोड़ी सी अपनी कर सकते हैं इन्जॉयमेंट। बहुत ज़्यादा अच्छी नेचुरल लाइट आती है, खूब सारी धूप आ रही है यहाँ पे। और बैल्कनी से ही दिखता है एकदम सामने प्ले एरिया, और ये जो सामने प्ले एरिया ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जस्ट लाइक 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, जिसमें बच्चे आराम से जाके अकेले खुद भी खेल सकते हैं, और हम लोग भी बैठ के आराम से बैल्कनी पे देख सकते हैं कि भाई बच्चे सामने खेल रहे हैं। तो इट्स लाइक अ बैकयार्ड हमारे लिए, और एज अ प्राइवेट बैकयार्ड। अब बैल्कनी से जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे आती है राइट पे एक बहुत ही छोटी सी स्टडी नोक ऑफिस स्पेस, जिसको कह सकते हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ पे भी यही प्लान है कि कंप्यूटर वगैरह रख के या फिर लैपटॉप पे आराम से बैठ के, और एक अच्छी सी सीट का इंतज़ाम करके कम्फर्टेबल यहाँ पे करेंगे हम काम। और उसके बाद अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आता है पाउडर रूम। ये है हमारा पाउडर रूम। इस पाउडर रूम के बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं, टॉयलेट है यहाँ पे, बेसिन, और इस घर में बहुत अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे आती है बहुत सारी हवा, खूब जो है वो वेंटिलेशन होती है, आर पार होती है हवा, तो समर के टाइम पे इस रेडी गुड इवन अभी भी बहुत अच्छा मौसम है। और अब हम अगर इस तरफ आए मजीद तो यहाँ पे आता है एक और लिविंग एरिया, जो दूसरा था वो तो डाइनिंग एरिया था, ये है मेन लिविंग एरिया, जहाँ पे हमारा प्लान है कि हम सोफ़े रखेंगे। मोस्टली हम लोग जो है वो काउच रखने का सोच रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा काउच, बट द अदर साइड जो वॉलपेपर की साइड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ग्रे वॉलपेपर बहुत ही प्यारा ऐड कर रहा है इसमें फीचर, तो इस वॉलपेपर के सामने आएगा टीवी और उसके जितने भी यूनिट्स वगैरह जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और वाईफाई के कनेक्शन भी जो कि यहीं लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्पेस है। यहाँ पे आती है एक और छोटी सी बैल्कनी, जिसकी वजह से और नेचुरल लाइट यहाँ पे अंदर आती रहती है। उस पूरे घर का जो आप देख रहे थे कलर है वो ग्रे है, तो उसकी वजह से हम लोग हमेशा खिड़कियों को खोल के रखते हैं ताकि वो खूब रोशनी दे, वाइट दीवारें नहीं है इसलिए। एंड ऑल्सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हर हर जगह कर्टन्स भी लगे हुए हैं, तो कर्टन्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम लोग को फर्स्ट टाइम कर्टन्स मिल रहे हैं किसी घर में। तो ये छोटी सी जो है वो बैल्कनी, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है, दूसरी साइड पे सनलाइट ज़्यादा आती है, तो हम लोग यहाँ पे इतना खड़े नहीं होते नॉर्मली, बट ये देखिए पत्ते कैसे ऑरेंज हो गए हैं ना, फॉल भी आने वाला है। अब अंदर चलते हैं। सो इसके बाद जो बहुत ही स्पेशल चीज़ हमने लिविंग रूम में अरेंज की है वो है ये छोटा सा हमारा कॉर्नर, जो कि है नमाज का कॉर्नर। बच्चे जब इस कॉर्नर को देखते हैं तो उनको बार बार रिमाइंड होता है कि उनको नमाज़ पढ़नी है, इवन हमें भी ऐसा बड़ा ज़रूरी होती है ऐसे कोई कॉर्नर, तो यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने कुरान वगैरह भी रखे हुए हैं। और ये जो खाने काबा ये आपने छोटा सा देख रहे हैं, ये भी हम लेकर आए थे मक्का से, ये सब चीज़ें मक्का से लाए थे, तस्बीह वगैरह, तो हमने कहा छोटा सा कॉर्नर है। बल्कि बाय द वे ये जो शेल्फ हैं ये ऑलरेडी इसमें लगे हुए थे, हम लोगों ने नहीं लगाए थे, ये घर में हमें लगे हुए मिले हैं, तो दैट्स रियली गुड। और इवन किबला जो है हमारा वो भी इसी साइड पर पड़ता है, सो ये शेल्फ की साइड पर तो काफ़ी बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस।
लिविंग रूम के साथ ही फिर हम लोगों की एक और स्टेयर्स आती हैं और ये स्टेयर्स जाती हैं ऊपर बेडरूम्स की तरफ। तो बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से एंटर होते ही हमारे लेफ्ट पे पड़ता है ये ज़बरदस्त बेडरूम जो कि है हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ पे है ज़बरदस्ती स्पेस, आराम से एक क्वीन साइज़ बेड के साथ टू साइड टेबल्स यहाँ पे इजीली आ सकती हैं। बहुत सारी स्पेस है, कारपेटेड है पूरा और बिल्कुल क्लीन जो है वो हमारे लैंडलॉर्ड ने कारपेटिंग करवा दी थी, प्रॉपर क्लीनिंग करवा दी थी, तो ये ज़रूरी होता है करना। एंड इस बेडरूम की खसूसियत ये है कि यहाँ पे है पाकिस्तान जैसा पंखा, राइट? तो हम लोग पंखा चलाते रहते हैं अक्सर, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो गर्मियों का ज़माना चल रहा है तो पंखा बहुत ही अच्छा ऐड करता है फीचर और बहुत सारी नेचुरल लाइट आती है, साथ में कर्टेन है हमारे पास, तो ये बेहतरीन चीज़ हो गई है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस बेडरूम की हमें लगती है वो है ये वार्डरोब। ये वार्डरोब गाइस बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वार्डरोब में आपको दिखाते हैं क्या स्पेशल है। तो ये है स्पेशलिटी इस वार्डरोब की कि ये काफ़ी ज़्यादा एक तो प्रॉपर बिल्ट इन है, हर चीज़ इसमें जो है वो शामिल है, ऑर्गेनाइज बहुत है, बेहतरीन यहाँ पे लाइटिंग्स लगी हुई है ऊपर, जैसे जो मिलियनेयर्स अपनी वार्डरोब को खोलते हैं ना, ये उस तरह की वार्डरोब अशर के बखौल ही लगती है। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे जो है वो ये घड़ियाँ या ज्वेलरी रखने की भी स्पेस है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इसको इस तरह कपड़े तय करके रखे हुए हैं बट ये टेम्प्रेरी है, यहाँ पे बेसिकली पूरी हैंगिंग है तो हम हैंगिंग ही अल्टीमेटली करेंगे जब भी हैंगर्स हम खरीद लेंगे या फिर हमारे ऑन्टेरियो में जितना सामान रखा हुआ है उसमें बहुत सारे हैंगर्स हैं, डेफिनेटली वो ऐड कर लेंगे। और बहुत सारी स्पेस के साथ सारी दराजें हैं यहाँ, तो हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान इसके अंदर समा लिया है। इसी तरह यही सेम वार्डरोब मेरी है, वो हिस की है अशर की और ये मेरी हर की है। और इसी तरह ये छोटी सी जो है वो उन्होंने क्लोजेट दी हुई है तय करने वाले कपड़ों के लिए, तो ये भी बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ऐसी चीज़ मैंने ज़्यादातर घरों में यहाँ नहीं देखी है, मतलब मैक्सिमम घरों में आपको या तो वॉक इन रोब मिलेगी और आपको खुद ही अपने शेल्फ लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेस है आप लोग देख सकते हैं, ये सारी स्पेस बहुत ही अच्छी है, छोटी सी यहाँ पे एक जो है वो समझ लें कि वॉक इन रोब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इस साइड पे हैंग कर लिए सारे कपड़े या हैवी जो चीज़ें रखनी है ऊपर रख ली, एंड अदर साइड बिल्कुल खाली है। तो यहाँ हमारा प्लान है कि कुछ ड्रेसिंग टेबल मैं अपनी रख लूँगी जिसमें मतलब शीशा वगैरह तो आराम से तैयार वैयार होगी, ये अच्छी जगह है मेरे लिए। तो ये है छोटा सा ऑन सूट, इस ऑन सूट में आप लोग देख सकते हैं कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे शावर है, ये जो स्पेशल छोटी सी स्पेस स्टोरेज की बनी हुई है ये बहुत अच्छी है, तो ये चीज़ मुझे पसंद आई। ज़्यादातर बाथरूम्स में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, ये एक छोटी सी तो यहाँ पे दराजे वगैरह हैं तो आराम से यहाँ चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। वैसे पंखे वाला फीचर तो बहुत ही स्पेशल है ना, मतलब कभी हम लोगों ने किसी घरों में यहाँ पे पंखे आसानी से देखे नहीं है, तो अगर मिल जाए पंखा तो लक होती है बहुत। तो यहाँ पे ये छोटा सा जो है वो हॉलवे एरिया है सारा, ये ज़बरदस्त सा जो है वो यहाँ पे हम फुल सेटअप छोटी सी मतलब टेबल्स वगैरह रख सकते हैं चाहे तो, इसके अलावा मेरा और कोई प्लान नहीं है, या फिर यहाँ फ्रेम्स हम लगा लेंगे। इसके बाद आता है इसी हॉलवे में लॉन्ड्री, तो ये है यहाँ पे वॉशर और ड्रायर दोनों ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड ही प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आता है दूसरा बेडरूम, दिस इज द बेडरूम नंबर 2 जो कि हमारा प्लान है कि ये बच्चों का बेडरूम होगा या फिर अगर कोई गेस्ट आता है आगे जाके तो हम उसका भी प्लान कर सकते हैं। इस बेडरूम में भी बहुत अच्छी नेचुरल लाइट आती है, बेहतरीन यहाँ पे कर्टन्स वगैरह सब हैं और ये कर्टन्स भी एजलाई सेट के लैंडलॉर्ड ने ही दिए हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू होता है, थोड़ा बहुत पार्क भी यहाँ पे सामने नज़र आता है इसके और सनलाइट यहाँ पे कम आती है बट ये कि नेचुरल लाइट इनफ आ जाती है। और इसी के अंदर हैं यहाँ पे वार्डरोब्स जो कि नॉर्मली हर जगह होती हैं वार्डरोब्स इस तरह के हैंगिंग के। तो अपनी थोड़ी बहुत स्टोरेज यहाँ पे बैग्स वगैरह सूटकेसेस यहाँ पे रखने की अच्छी स्टोरेज है काफ़ी। और साथ ही में यहाँ पे हैंगिंग का इन्होंने लैंडलॉर्ड ने हमें दे दिया था ऊपर, तो इस स्मॉल थिंग बट काफ़ी मैटर करती है छोटी चीज़ें। और फिर यहाँ पे है एक और अटैच बाथ, तो बहुत कम ऐसे घर होते हैं बाहर के मुल्कों में जहाँ पे आपको अटैच बाथ मिल जाए, बट थैंक गॉड के हमें यहाँ अटैच बाथ मिला है। लेट्स सी,
तो ये है छोटा सा बाथरूम, अभी लाइट फिक्स्चर्स में बाकी है इसलिए थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है, ये हमारे लैंडलॉर्ड को ही फिक्स करवाना है, बट दिस इज द स्मॉल वेरी बेसिक बाथरूम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटी सी स्टोरेज है, छोटा सा यहाँ पे वॉश बेसिन और शावर भी है यहाँ पे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो होता है मंथली किराया, मतलब पर मंथ हम लोग इस घर का कितना रेंट पे कर रहे हैं कैलगरी जैसे शहर के अंदर जो कि अब बूमिंग के ऊपर जा रहा है। तो इस वक्त इस घर का जो वो किराए पे जो मिला है वो मिला है $2150 पर मंथ के ऊपर, मतलब ये मत समझना कि साल का $2150 पर मंथ के ऊपर और यूटिलिटी इसके अंदर एक्सक्लूडिंग है। तो जितनी भी यूटिलिटीज होंगी, इंटरनेट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गई, हीटिंग हो गई और भी काफी चीजें हो गई, वो सारी चीजें इसमें एक्सक्लूडिंग होगी। जैसा सना ने बताया कि स्नो रिमूवल के हमें पैसे नहीं देने होंगे, तो वो जो लैंडलॉर्ड होता है वही पे करेगा इस चीज का। बाकी जितनी भी चीजें होंगी जैसे जल रही हैं, चीजें हो रही हैं, इंटरनेट हो रहा है, ये सब हमें एक्स्ट्रा में पे करनी पड़ेगी। अब कितनी आती हैं, कैसे आती हैं पर मंथ के हिसाब से, वो हम आपको बताते रहेंगे आगे चल के जब व्लॉग्स आएंगे। और ये है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी के अंदर, रेड स्टोन का इलाका कहलाता है ये, उसके अंदर है ये, बिल्कुल कैलगरी का आखिरी है, मतलब कैलगरी यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलने के बाद कुछ किलोमीटर्स के बाद जो कैलगरी की हदूद होती है सिटी की वो खत्म हो जाती है, फिर एयरड्री वगैरह और दूसरे छोटे मोटे शहर सारे आ जाते हैं आगे चल के। मगर यहाँ पे जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ये अच्छा इलाका है, फिलहाल यहाँ पे चीज़ें थोड़ी दूर दूर है, मतलब करीब नहीं है, जैसे वॉलमार्ट है 8-10 किलोमीटर है, डॉलरामा की बात करूँ तो वो भी 2-2.5 किलोमीटर है, मैकडोनल्ड्स 2-2.5 किलोमीटर है, बट ये अच्छी बात है कि यहाँ पे एक हलाल ग्रोसरी है जो आई थिंक 1 किलोमीटर के विदिन ही है। मगर ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आप ऐसे इलाकों में रहते हैं तो ग्रोसरी की जो शॉप्स होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, बट अभी हम घर की बात कर रहे हैं तो घर के ऊपर ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, $2150 के अंदर हमें ये घर मिल गया और वो भी फ़ौरन 6 दिन के अंदर ही मिल गया। सो और भी हमें टाउन हाउसेस मिल रहे थे क्योंकि हमारी टाउन हाउसेस की सर्च थी 1000 स्क्वायर फुट से लेके और तकरीबन 1200-1300 स्क्वायर फुट के। तो ये हमारा जो टाउन हाउस है 2 बेडरूम का, अच्छा बड़ा टाउन हाउस है, यह है तकरीबन 1250 स्क्वायर फुट जिसमें सारा ये लिविंग एरिया इंक्लूडेड है। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड की होंगी। अगर आगे भी बहुत सारी आपकी चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह हम आपको जब घर भरेंगे अपना इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में बेड लेकर आएंगे, सोफे लेकर आएंगे, सारी चीज़ें लेकर आएंगे, तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आइंदा आने वाले जो लोग हैं कैलगरी में उनको इससे आसानी हो सकती है। तो गाइस ये तो था हमारा आज का सिंपल सा हाउस टूर, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा घर बहुत पसंद आया होगा। और जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कुछ आपको बताए थे कि कुछ बॉक्सेस टिक होने थे, राइट? तो वो तमाम बॉक्सेस इस घर में टिक हो रहे थे, दैट्स व्हाई वी लव्ड दिस हाउस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या बॉक्सेस थे कि हमें गैराज चाहिए था, स्नो खुद नहीं उठानी थी हमें, एग्जैक्टली, और टाउन हाउस चाहिए था सेपरेटेड, जो मतलब कोई ये ना हो कि नीचे एयरबीएनबी वाला हो, कोई बेसमेंट अलग से हो, कोई ऐसी चीजें हो, ये सब कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंट चाहिए था। और साथ ही में कुछ और भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में पूरी हुई हैं। और यही होता है एक ड्रीम हाउस जिसमें हम अपना अगला 1-2 साल गुजारने की डेफिनेटली कोशिश हम करें हैं। तो देखते हैं कि हम लोग को कितना टाइम और यहाँ गुजरता है, बट आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड लाइक करें। और ये था हमारा हाउस सर्च जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो गया।